जाने दो ना। अरे हमरा शेर आप जल गए ना, आप अगला साल जलाइएगा। आप बैठिएगा और रेखवा आपको मलम लगाएगी और वहाँ बैठ के आप हमको देखिएगा। ए रेखवा, तने जले पे मलम लगाइए और वहाँ बैठ के देखेगा, हम पटाखा जलाता हूँ। इंजॉय कर। दद्दू को बोलो ना पटाखा हमें चलाने दो। चलो। हर हर महादेव। माँ तो है ना ऊपर रेखवा के साथ। ए माधो देख रहा, देख रहा है। शेखरवा हम देखा, हमने देखा, आप भी जा रहे थे, मैं आपको भी चला देंगे। ये अपना ट्रैक्टर चलाई शेखरवा, हम कार में जा शेखरवा। शेखरवा तेरा दिमाग तो ठिकाने है। सरपंच जी आइए यार, दिवाली मुबारक। सरपंच जी दिवाली मुबारक हो आपको। आइए, नमस्कार नमस्कार। अरे ये बात का छोट मोट बात है, ठाकरो घरों में होता रहता है, दिवाली का मंजर है ऊंच नीच। अरे ये नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा ठाकरो घर। आइए 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 आई। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आई आई, स्वागत है आपका। आइए, आप तो जाना था कि क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, थोड़ा सा मंद बुद्धि है
वैसे ठीक बाद बाद में गुस्सा आ जाता, अपने हाथ से ट्रैक्टर जला दिया, अपने भाई पे आक्रमण किया। तो हमरा आपके चरणों में निवेदन है सरपंच महोदय के पास, हमरे पुतवा को हमरे ही पास रहने दीजिए। झूठ बोल रहे सरपंच जी, अरे कोई अपना ही ट्रैक्टर काहे के लिए जलाएगा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है सरपंच महोदय, हम आपको आज प्रमाण देता कि हम जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा। सुमनिया जरा माधव को ले आइए। हमरा पुतवा माधो, बता हमको कि लक्ष्मी पूजा में आप केकरे साथ थे? हम तो माई और बाबूजी के पास थे। ये लीजिए। माई बाप के पास लक्ष्मी पूजा किया और आपका आदेश का उल्लंघन किया, किया कि नहीं आप बताइए? हो गया ना मैटर बिल्कुल शीशे की तरह साफ, हम झूठ कह रहा था। तुम लोगों की ये परिवार का खटराग जो है तब वो खत्म होगा भैया नहीं। अब कोनो गलती किसी से भी हुई ये बचवा जो है ये लोहा के साथ हमेशा हमेशा नहीं रहेगा। बस आप समझ नहीं रहे सरपंच जी, ये सब किया धरा ही नहीं का है ठाकुर साहब का। बहुत बड़का चाल चल रहे हो हम लोग के साथ, हर काम में हम लोग के सामने मुश्किल खड़ा कर देते। 2000 रुपये कमाना मुश्किल नहीं सरपंच जी, बाकी इनका इनका चाल के सामने टिक पाना बहुत है मुश्किल। अगर ये बात सच है तो ये बात भी सही है कि तुम लोग लोहा के चाल के सामने परस्त हो रहे हैं। अगर इसके चाल के सामने तुम लोग टिक नहीं पाओगे तो बच्चे की जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? जब हमें विश्वास हो जाए कि तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी निभा पाओगे तब इस बच्चे को हम तुम्हारे पास रहने देंगे। तब तक ये बच्चा जो है लोहा के साथ रहेगा, उसके बीच में जो करना है वो हम सोचेंगे। जय राम जी। सरपंच जी की जय हो, परमेश्वर की जय हो, जय राम जी की। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रणविजया जी, जी ले जा हमरे पुतवा को जरा कमरा में। माधव हमें नहीं जाना। माधव माई हमें नहीं जाना। माधव माधव आ जा। अरे चोट लग गया दिखाई नहीं देता है, छोड़िए हम भेज रहे हैं। हम यहाँ तो माधव खेला खेल रहे थे हम लोग, अभी खेला खत्म नहीं हुआ है।
कि जब भारवा आग लगा ना माता, उसका केरिया खाकर कहते ये खेला में तुम्हारे माँ बाप जी। बात होगी, बात होगी, चलो चलो। हताश होने का कोई जरूरत नहीं है छोटे ठाकुर, जब कोनो बहुत बड़ा और अच्छा काम करने का आदमी सोचता है ना, तो ऐसे छोट मोट अड़ंगा भी करता है। और जब तक हम दोनों साथ हैं, तब तक ऐसे छोट मोट अड़ंगा तो हम लोग लगाइए लेंगे। इन्हें घबराने वाला कौन बात है? इन्हें देखिए, नाम रहता है तुम सही कह रही हो लाली, तुम एकदम सही कह रही हो। अब हमको कोई नहीं हरा सकता, अब हमको कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। ये लो माधव, दूध पी लो। पता है इसको पीने से ना तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। और देखो ये देखो, हम तुम्हारे लिए दवाई भी लाए तुम्हारे घाव पे लगाने के लिए। लो पकड़ो। हमें नहीं पीना दूध और नई दवाई लगानी है तुम्हारे हाथों से। काहे जिद कर रहे हो, लो पी लो। अच्छे बच्चे ना तुम, लगा लेते। हमें नहीं लगाना है और नहीं हमें दूध पीना है। बताओ बोलोगी तो तुम पर ही दूध फेंक देंगे। एक थप्पड़ लगाएंगे ना तो दो मिनट में ठीक हो जाएगा। हम यहाँ बैठे बैठे ना तुझसे मिन्नत नहीं करते रहेंगे। माय बहुत दर्द हो रहा है हमको। माय तुम कब आओगे? माय याद आ रही है दूधी। कितना जितना चोट लगा है पापा को, बड़ा दर्द कर रहा हूं। सामने से देखने का मन कर रहा है उसको। अच्छा अब आप लाली हमारे साथ। कहाँ छोटे ठाकुर? माधव से मिल ले। बाकी अरे चलो चलो तो आप आ।
काफी थे, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। माई देखो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। कोनो बात नहीं, अभी देख तेरी माई कैसे जादू करेगी और सब गायब हो जाएगा। माता सोई गाना दर्द नहीं करेगा। नहीं माई, दर्द होता है इसके लिए नींद नहीं आती है। सुना दो ना इसको, हमको जैसे तुम लोरी सुनाती हो ना, लोरी सुना दो। जैसे आवेलो तो तेर सुन के आयो रे नींदिया निडर बन के, बड़ा हो के मुन्ना जी हमार राज करे हैं, हीरा मोती मुंगवा से दिन रात खेली हैं, घरवा भर ले रहे आन धन से। जैसे रोज आवे लू तो ढेर सुन के आयो रे नींदिया निडर बन के। रेखा, रेखा रुको, क्या हुआ रेखा, तुम रो क्यों रही हो? रणविजय ने कुछ कहा क्या तुमसे? मदर जी, हमसे बापू और दीदिया की हालत देखी नहीं जाती। करी जी से रगा के माई की तरह पाला है हमने उसे, और आज आज हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। दीदी और झिझक जी की तो ये हालत है, पता नहीं काहे भगवान जी को इतना तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे हताश नहीं होते रेखा, जब से होश संभाले ना मधु जी सब कुछ उल्टा पुल्टा होते ही देखा। हाथ में आते आते अचानक सब कुछ हाथ से फिसल जाता है और हम बस वो ताकते रह जाते अपनी जिंदगी का। इतना सुंदर सुंदर सपना देखे थे हम, पर विधाता ने कुछ वो एक झटके में। तुम ठीक कह रही हो रेखा, काश कि हम समय के पहिए को वापस मोड़ सकते, काश हम वो सब कुछ सही कर सकते जो कुछ इस जिंदगी में गलत हुआ है हमारे साथ, काश कि हमें एक और मौका मिलता अपनी जिंदगी को संवारने का, काश वो सारे पल जो हमने साथ गुजारे थे वो वापस आ पाते। काश हम वो सब कुछ सही कर पाते जो कुछ इस जिंदगी में गलत हुआ है हमारे साथ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं रेखा,